आठवां दिन है और हम लोग गुरु महिमा कीर्तन सुन रहे हैं। कल हमने जगन्नाथपुरी से परम पूज्य श्री गोपीनाथ बाबा जी महाराज से श्रवण किया। उन्होंने गुरु जी की जगन्नाथपुरी की बड़ी स्मृतियां याद की। इसी प्रकार हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई श्री कृष्ण शरण प्रभु जी का सुना हैदराबाद से, उन्होंने अपने अनुभव बताए। फिर हमारे ऐसे भक्त जो गुरु जी की विशेष कृपा से बोले, दिल्ली के श्रीपाद श्याम सुंदर प्रभु जी, तो इस प्रकार बड़ा आनंद कल हुआ। और आज हम प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली से हमारे अशोक जी भी बोलें। अभी ये सारी रिकॉर्डिंग मैं साथ साथ अपलोड कर रहा हूं और कल से जो इसका आईडी पासवर्ड होगा वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, यहां चैट में भी डाल दूंगा। आज की स्थिति में जबकि कोरोना वायरस का आतंक हमारे मस्तिष्क को अपनी कैद में जकड़ चुका है, ऐसी सिचुएशन में मन व्यथित स्वाभाविक है। और ये कहा जाता है कि हर समय भगवान का ध्यान करो, तो ये कैसे संभव है जब मन आतंकित हो। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन उनके निजन, उनके शुद्ध भक्त श्री गुरु पाद पद्म का दर्शन हमें मिला। तो अगर हम गुरुदेव की स्मृति में अपने मन को लगा सके श्रवण करके, तो भगवान में ऑटोमेटिक श्रवण हो जाएगा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि भगवान के धाम से भी बड़ा है गुरुदेव का स्थान। गुरुदेव का स्थान सर्वोपरि है और अगर गुरुदेव के महिमा कीर्तन में हमारा समय जा रहा है तो मुझे लगता है कोई चिंता की बात नहीं। किस प्रकार गुरुदेव ने जगत के कल्याण के लिए इस धराधाम पर अवतार लिया, किस प्रकार सो लो प्रोफाइल जीवन निकाल दिया, किसी को पता भी नहीं चला, सिर्फ वही जानते हैं जिनको उन्होंने अपना महिमा प्रकाश किया, वही उनके बारे में बोल सकते हैं। और गुरुजी जिन पे कृपा करते हैं वही उनकी महिमा कीर्तन कर सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। तो मैं हमारे पूज्यपाद श्री कृष्णानंद प्रभु श्री कुलदीप प्रभु जी से कि वो सबसे पहले आरंभ करें और उनके बाद दिल्ली जाएंगे। कुलदीप प्रभु, हमारा श्री गुरु जी की महिमा स्मरण का महोत्सव चला रहे हैं हमारे रास बिहारी दास जी मुख्य रूप से इसको होस्ट करके, उसमें कल यस्टरडे जो कल बीता, हमारे गुरु महाराज बोलते थे गत कल, जो कल बीता उसमें हम लोगों को मौका मिला श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ श्री जगन्नाथपुरी धाम से श्री गोपीनाथ बाबा जी महाराज के
मुखारविंद से गुरु जी की महिमा का कीर्तन करते हुए हमने सुना। उसके बाद हमारे हैदराबाद मठ से हमारे गुरु भाई, प्राचीन गुरु भाई श्री कृष्ण शरण जी से भी हम लोगों ने गुरु जी के बारे में श्रवण किया। उसके बाद हमारे दिल्ली के श्याम जी, जिनके तो मैं समझता हूं कितने ही अनुभव होंगे, उन्होंने संक्षेप में सुनाया। उनके तो घर में गुरु जी रहे, बहुत बातें उनके पास हैं, हम बार बार उनको सुनना चाहेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा उनसे कि वो बार बार हमको सुनाएं गुरु जी के बारे में। यहाँ को अपने ही लोग हैं सब, कोई भाषा का कोई इसमें बात नहीं है, दिल की बात है। वो जो बात हृदय से कहेंगे वही हमको सुख लगेगी। तो जब कल मैं सुन रहा था तो मेरे मन में, जब गोपीनाथ बाबा जी महाराज कृपा कर रहे थे तो मेरे मन में पुरी में, जब पुरी की जो स्मृतियां हैं वो बार बार आ रही थी। तो पुरी से बोल रहे थे, उन्होंने बोला ना बीच में कि गुरु जी कीर्तन कर किया उन्होंने, हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ। तो गुरु जी क्या कीर्तन करते थे, किस प्रकार कीर्तन करते थे, वो सब स्मृतियां आंखों में आने लगी, उजाग करा दिया उन्होंने। और इस पूरी धाम में गुरु जी ने कितना कष्ट सहा है, कितने साल, 1, 2, 3, 4 साल नहीं, कितने साल उन्होंने रह के इतना कष्ट स्वीकार किया है, हम सब लोग अगर जानेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस प्रकार गुरु जी ने कष्ट सहा है। पूरी धाम से हमारे गुरु जी को वहां पर बलदेव जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी तो है ही, वो तो है ही, नीलाचल धाम है, श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम है, सब है। परंतु उस धाम के साथ हमारे परम गुरु महाराज की, हमारे गुरु महाराज की बहुत सी स्मृतियां जुड़ी हुई है। मैं तो जानता नहीं ज्यादा, जो कुछ मुझे थोड़ा याद होता है मैं तो उसी का ही बार बार कीर्तन कर सकता हूं। इतने साल गुरु महाराज बात पर रहे, एक बात मैं यहां पर बोलना चाहता हूं कि हमारे गुरु महाराज की जो भी हम बात याद कर रहे हैं, जो कथा याद कर रहे हैं, वो उनकी बात के साथ हमारे परम गुरु जी की बात भी मिली हुई है। अकेले गुरु जी की कथा नहीं होती है, उनके गुरु जी को लेके ही उनकी कथा होती है। जिस प्रकार भगवान को लेके ही भक्त की कथा और भक्त को लेके ही भगवान की कथा, कोई एग्जाम्पल देखिए, कोई प्रहलाद जी का चरित्र याद करे तो बोले प्रहलाद के बारे में बोलेगा तो नरसिंह भगवान ऑटोमेटिक उसमें उस कथा में आ जाए, और अगर कोई नरसिंह अवतार के बारे में कथा बोले तो ऑटोमेटिक स्वभावतः ही प्रहलाद महाराज की कथा उसमें आ जाए। अतः हमारे गुरु जी की और परम गुरु जी की इसी प्रकार आपस में जुड़ी हुई कथा। कितना कष्ट, ओह कितना कष्ट, क्यों मुझे मौका मिला, जो लोग गुरु जी के साथ में वहां पर थे इस कष्ट वाले समय में, पीरियड में, उनसे ही मुझे सुनने का मौका मिला, और गुरु जी ने जो लिखा उसमें भी मुझे मौका मिला पढ़ने का। तो वहां पर हमारे वर्तमान जो आचार्य महाराज हैं, उनका नाम पहले गौरांग प्रसाद ब्रह्मचारी था, और वर्तमान जो हमारे सन्यासी परम पूज्य बाल विष्णुदेव महाराज हैं, उनका नाम पहले अरविंद लोचन ब्रह्मचारी था। तो वो वहां पर गुरु जी के साथ थे, उनसे मुझे बहुत सुनने का मौका मिला। और हमारे परम आराध्य परम पूज्य पाद श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती महाराज से भी मुझे वहां की बहुत सी घटनाओं के बारे में सुनने का मौका मिला। गुरु जी ने कितना कष्ट किया, कितना गुरु जी ने उसमें, हमारे गुरु जी से हमने श्रवण किया है कि जब गुरु जी ने इस बात को, वो मैं सारी कथा तो नहीं बोल सकता हूं, कि किस प्रकार पुरी में रह के उन्होंने प्रभुपाद जी के जो आविर्भाव स्थली है उसको प्रकाशित किया। इस बात को बोलने से एक हफ्ता लग जाएगा, रोज अगर बोलेंगे कि किस प्रकार प्रभुपाद की आविर्भाव स्थली का हमारे परम गुरु जी ने उद्धार करके प्रकाशित किया उसको, और उसमें हमारे गुरु जी ने
किस प्रकार मेहनत की, किस प्रकार कष्ट सहा, ये 7-8 दिन लग जाएंगे पूरी बात को बोलने में, इस प्रकार उस बात का विस्तार है। परंतु मेरा तो उद्देश्य श्री गुरु जी को स्मरण करना, परम गुरु जी को स्मरण करना है, इसलिए सारी बात ना बोलते हुए हमारे परम आराध्य परम गुरु महाराज ने जब निर्णय कर लिया कि इस जगह को लेना ही गुरु जी का स्थान लेना ही है, तो गुरु जी के मुखारविंद से कथा में हमने कई बार सुना, गुरु जी कभी भुवनेश्वर, कभी कटक, कभी पुरी में दूध वाला, गुरु जी बोलते थे दूध वाला धर्मशाला में रहा, दूध वाला धर्मशाला में इस प्रकार खटमल होते थे, खटमल समझते हैं ना, बेडबग्स, खटमल और चींटियां। गुरु महाराज जी, परम गुरु महाराज हमारे सारी रात सो नहीं, इस प्रकार अनहाइजीनिक वो कमरे थे, जबकि हमारे परम गुरु महाराज जी बड़ी साफ सुथरी जगह में रहना पसंद करते थे। गुरु जी से हमने सुना कि जब जो घर, जो कमरा नया व्हाइट वॉश हुआ हो उसमें गुरु जी रहना पसंद करते थे, खुश रहते थे। जो भी है, इस प्रकार की गर्मी में, सर्दी में, इस प्रकार की परिस्थितियों में कष्ट क्या मिला क्या नहीं मिला खाने में, तो गुरु जी वहां पर रहे। और जब निर्णय कर लिया तब कोर्ट कचहरी का इतना मामला हुआ, क्या मुंसिफ कोर्ट, क्या SDM की कोर्ट, क्या जज कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, कितनी कोर्ट्स थी जिनमें इन केसों को लड़ना पड़ा, और उन केसों को लड़ने के लिए, उन केसों की पैरवाई करने के लिए परम आराध्य हमारे गुरु जी ही जाते थे, क्योंकि वो सेक्रेटरी थे मठ के। गुरु जी को डेली, गुरु जी को नित्य प्रति इतने केस थे, नित्य प्रति गुरु महाराज को 11 बजे से लेके 5 बजे तक कोर्ट में रहना ही पड़ता था। उसमें भी अनुमान लगाइए आप, तब तो इतनी कोई सुविधा नहीं थी, गुरु जी रक्षा में जाते थे कोर्ट में, और इवन ऐसा भी होता था कई बार रक्षा के लिए भी पैसा नहीं होते थे, रक्षा के लिए पैसे नहीं होने पे गुरु महाराज कोर्ट में पैदल जाते और पैदल आते। गुरु जी की लेखनी आप देखेंगे तो उसमें गुरु जी ने लिखा कि मैं काउंटलेस टाइम में कोर्ट में गया और वकीलों के घर में गया, उसकी गिनती करना ही कोई हिसाब ही नहीं, मुश्किल है। इतनी बार गुरु महाराज को कोर्ट में जाना पड़ता था। और ऐसा भी मैंने सुना कि सुबह जब गुरु जी जाते थे तो कई बार कुछ बना नहीं होता था अभी नाश्ते में, तो गुरु जी बिना नाश्ते किए, बिना कुछ खाए, अभी कुछ बना नहीं, कुछ जगह नहीं थी। संत गोस्वामी महाराज के मठ में गुरु जी रहे 4 सालों बाद की बात, बाद में जब कोर्ट का चेक, वो पहले की बात है, जब अपना मठ कमरा मिल गया हमें तो गुरु जी को रोज किराएदारों के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, उसमें रसोई सुबह नहीं होती तो गुरु जी ऐसे ही कभी चिड़वा खा के चले जाते हैं, कभी वो क्या मूढ़ी बोलते हैं बंगाल में, हमारे यहाँ परमल बोलते हैं, गुरु महाराज वो खा के चले जाते हैं, और कभी कुछ नहीं खा के जाके शाम को 5 बजे पैदल कोर्ट से आके, कोर्ट फरलांग 2 फरलांग नहीं है, 2-3-4 मील है, जाना आना, गुरु जी इस प्रकार परिश्रम करके वापस आके तब खाना खाते। इतना था, इतना ही नहीं, जब गुरु महाराज कोर्ट में जाते थे अलग अलग वकीलों को मिलते, कोर्ट में प्रेजेंट होते, इतनी पेशियां होती, तो वहां पर जो वकील लोग थे और जो लोग थे वो गुरु जी का मजाक उड़ाते थे। इतना अपमान सहना पड़ा, क्या मजाक उड़ाते थे, ये देखो ये साधु महात्मा भी कोर्ट में चक्कर लगाते फिरते, देखो इनका ये साधु है, साधु महात्मा भी ये कोर्ट में, इस प्रकार टॉन्टिंग करते थे, इस प्रकार आक्षेप करते थे, व्यंग करते थे लोग। तो गुरु जी के मन में, तो पहले भी हमने याद किया है, बाहर की बातों में गुरु जी का ध्यान ही नहीं था, गुरु जी का सारा ध्यान केंद्रित था कि किस प्रकार मेरे गुरु महाराज की सेवा बन जाए। वो गुरुगत प्राण जो हमारे प्रहलाद प्रभु ने बनाया, ऐसे नहीं नाम दे दिया गुरुगत प्राण, वास्तव में गुरुगत। तो एक बार क्या हुआ, इवन
मटके भी कुछ लोग ऐसे थे, गुरु जी को बोलते थे छोड़ो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर को, साधु को शोभा नहीं देता ये। गुरु जी ने किसी की बात का ध्यान नहीं दिया, किसी की बात को सुना नहीं, एक ही बात को अपने दिल में उन्होंने केंद्रित करके रखा, मेरे गुरु महाराज की इच्छा है, मेरे गुरु महाराज की सेवा है। मैं सब प्रकार के आक्षेप सह के भी एक काम को मैं छोड़ूंगा। अतः इस प्रकार कष्ट साध्य, कभी आलू उबाल लिए, क्या उसको बोलते हैं, आलू उबाल के उसको बोलते हैं बंगाल में सिद्ध आलू, आलू उबाल के उसमें जरा सा सरसों का तेल दिया और चावल के साथ, इस प्रकार चार चार पांच पांच सब्जियां, जहां सुविधाजनक, मेरा मतलब कहने का सुविधाजनक प्रसाद खाना नहीं मिलता था, गुरु जी उसमें ही दिन रात, अच्छा लोकल कोर्ट की बात छोड़ दीजिए, लोकल कोर्ट की बात छोड़ दीजिए, बार बार भुवनेश्वर जाना पड़ता, बार बार कटक में जाना पड़ता, कितने जब गुरु जब मीटिंग्स जो हमारे परम गुरु जी के साथ निर्धारित होती थी तो गुरु महाराज ही उनकी डेट लेने जाते थे। और मुझे परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति, क्या उनका नाम था, भक्ति सागर महाराज जी, भक्ति सुंदर सागर महाराज जो उदाला मटके आचार्य थे, तो सुंदर सागर महाराज, उनसे भी सुनने का मौका मिला, क्योंकि वो उड़ीसा निवासी थे, उड़िया भाषा जानते थे, अतः वो गुरु जी के साथ में जाते थे। वो ही हमारे गुरु महाराज को लेके, हमारे परम गुरु जी को और हमारे गुरु, अनम्यूट करिए, अनम्यूट, हाँ जी, हरे कृष्णा, मेरी आवाज सुन रही है, हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज सुन रही है, हेलो, मेरी आवाज सुन रही है आपको, अंकल तो जी आ रही है, अरे आ रही है। तो हमारे वो जो भक्ति सुंदर सागर महाराज थे, वो एक्चुअली मुझे उनसे इसलिए, वो एक महीना आके बठिंडा में रहे 2004 में, तो वैसे भी जब पुरी जाते थे वो हमारे मठ में होते थे, उनसे भी मुझे सुनने का मौका मिला। किस प्रकार भूख प्यास सहकर, ऐसा नहीं था कि रास्ते में कुछ लेके खा लिया, पैसे ही नहीं होते थे, भिक्षा करके पैसे जुटाने पड़ते, वो जाना और वापिस आके मठ में जो चावल आदि मिला मुरमुरा उसको खा के रह जाना। उन्हीं के द्वारा, भक्ति सुंदर सागर महाराज के द्वारा ही हमारे परम गुरु महाराज को श्री रंगनाथ मिश्र से मिलाया गया, है ना, मिश्रा जी बहुत जानते हैं रंगनाथ मिश्र के बारे में, बाद में गुरु जी के साथ में गए भी, और वो जब द्वारा मठ में आए, हम लोगों ने भी देखा उनको, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए, है ना, ह्यूमन राइट्स कमीशन के वो हुए चीफ, जो भी है। कहने का मतलब ये है कि इतनी भाग दौड़ करनी पड़ी गुरु जी को, इतनी भाग दौड़ करनी पड़ी ये स्थान के लिए। मैं कहता हूं पूरी धाम जो है वो हमारे गुरु जी के चरण कमलों के पदाघात से सारा का सारा ओत प्रोत है, इसलिए हमारे लिए वो तीर्थ तो है ही, वो महातीर्थ हो गया है, हमारे गुरु जी वहां पर बिछड़े हैं अपने चरणों के साथ, इसलिए वो स्थान पुरुषोत्तम धाम और श्रद्धा के साथ हमारा प्रणम्य हो गया है। जब लोग इस प्रकार गुरु जी का मजाक उड़ाते थे, एक दिन क्या हुआ, वहां की जो बार लाइब्रेरी थी उसके जो प्रधान थे, वो मुझे भी उनका नाम याद नहीं है, जो भी प्रधान थे, उन्होंने अपने घर पे संकीर्तन का आयोजन किया, संकीर्तन का आयोजन किया, उसमें गुरु महाराज को भी, हमारे गुरु जी को भी उन्होंने निमंत्रण किया कि महात्मा बोलेंगे। जब गुरु महाराज ने वहां पर हरि कथा बोली, वहां पर उनके बाहर के जिन जिन वकीलों के बीच में गुरु महाराज जाते थे रोज, वो भी सारे वकील वहां पर इनवाइटेड थे उनके घर। जब गुरु महाराज ने इस प्रकार निर्भीक भाव से हरि कथा बोली और ये जो स्थान लिया जा रहा है प्रभुपाद का विनवा स्थान, इसकी महिमा कीर्तन किया कि किस काम के लिए ये स्थान के लिए लिया जा रहा है, किस काम के लिए हम कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, इतनी वीरजवती कथा सुन के वो जितने वकील थे सबके हृदय बदल गए, सबका दिल बदल गया, ऐसी गुरु महाराज की कथा ही ऐसी ऐसी कथा थी। वो जब दिल बदल गया उल्टा हो गया, जब पहले जब गुरु महाराज आते थे वो लोग टाउट करते थे, महात्मा देखो ना महात्मा आ गया मठ में,
कोर्ट में। अब क्या हो गया, गुरु महाराज अगर देर कर देते हैं, कई बार देर हो जाती, रिक्शा नहीं मिलती, तो गुरुजी पैदल जाते। जब गुरुजी पैदल जाते तो वो लोग इंतजार करते रहते, आज उनका दर्शन अभी हुआ नहीं, आज उनका दर्शन मिला नहीं। इस प्रकार उनकी सोच बदल गई सब वकीलों की, कि आज वो सब हेल्प करने लगे, देखने लगे। इस प्रकार गुरु महाराज का व्यक्तित्व कितना, उन्होंने संत गोस्वामी महाराज के मठ में रहे, फिर अपने आए, कैसे एक एक कमरे में प्रभु जी, आधा कमरा में बर्तन और रसोई का सामान, चूल्हा आदि जो भी, और आधे कमरे में तीन तीन चार चार लोग बड़ा कष्ट करके वहां पर रहे। इस प्रकार वो जमीन ली गई। किस प्रकार वो बात है कि मैं सबसे, मेरी प्रार्थना है कि जो हमारे परम गुरु जी ने कैसे कष्ट करके ये जमीन ली, किस प्रकार गुरु जी ने उसमें योगदान किया, ये अभी तो मैंने संक्षेप में बोल दिया। इसको वो परम गुरु जी के जीवन चरित्र में देखें या पुराने पुराने वैष्णवों से श्रवण वो करें। इसके अतिरिक्त जो याद होता है, उन्होंने बोला गोपीनाथ बाबा जी महाराज ने कि गुरु जी कीर्तन कर रहे थे, हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ। हम लोगों ने भी गुरु जी से पीछे पीछे रह के ये कीर्तन सुने। जब रथ यात्रा होती थी, जिस दिन रथ यात्रा होती थी, जगन्नाथ जी रथ यात्रा पे आएंगे तो गुरु महाराज कीर्तन पार्टी लेके जगन्नाथ जी की अगवानी करने के लिए जाते थे कीर्तन। और किस भाव में गुरु जी कीर्तन करते थे, हरि हे दयाल मोर जय जगन्नाथ, इस प्रकार गुरु जी बोलते, हरि हे दयाल मोर जय जगन्नाथ, और जय दाओ नीलाचल नाथेर, जय दाओ जय दाओ नीलाचल नाथेर, जय दाओ जय दाओ श्री बल देवेर, जय दाओ जय दाओ। वो कीर्तन जब आंखों में आता है, जब गुरु जी कीर्तन करते थे तो धरती कंपित होती थी, याद है, कंपित होती थी धरती। इन लोगों का कीर्तन भगवत समर्पित कीर्तन था। गुरु जी कोई क्या कर रहा है, कोई क्या देख रहा है, इस पर उनका कीर्तन आधारित नहीं था, उनका कीर्तन स्वाभाविक था। आपने कल परसों बोली थी ये बात कि ये गुरु महाराज के जितने गुण हैं, स्वभावता ही ये गुरु महाराज ने ऑटोमेटिक की थे। और वो तो मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि गुरु महाराज हमारे इस जगत के तो नहीं थे, वो तो जगन्नाथ धाम के, गोलोक धाम के ही थे। अतः गुरु जी बड़े दिल से कीर्तन करते थे, बड़ा रोमांच होता था गुरु जी का कीर्तन श्रवण करके। इस प्रकार जो लोग कीर्तन करते थे, मुझे याद होती है एक घटना, हमारे परम पूज्यपाद पूरी गोस्वामी महाराज जी इत लीला प्रविष्ट विष्णु पाद उत्तरशत शीश में भक्ति प्रमोद पूरी गोस्वामी महाराज जी। इस प्रकार वो तो हमारे, बात है कि हमारा, आप जानते हैं हमारा मठ जो मेन रोड पे है, ग्रांड रोड पे, और क्या उसको बोलते हैं, बड़दंड में मेन रोड पे है, और वहीं से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, तो सभी मठों वाले हमारे मठ में आते हैं। तो पूरी गोस्वामी महाराज तो रहते ही हमारे मठ में थे, तो जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी हारेगी, तो पूरी गोस्वामी महाराज बाहर सड़क पे खड़े होके भाव से जगन्नाथ जी का स्तव कर रहे थे, भाव की स्तव कर रहे थे, ऐसे स्तव करते थे भाव से। मैंने देखा उनके साथ, मुझे एक महीना रहने का मौका मिला ब्रजमंडल परिक्रमा में, कैसे जब वो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, किस प्रकार सारा रास्ता स्तव करते जाते थे। निज निकट निवासम देही गोवर्धन तम, निज निकट निवासम देही गोवर्धन तम, इस प्रकार बहुत बात है। इस प्रकार वो जगन्नाथ जी का स्तव कर रहे थे पूरी गोस्वामी महाराज। तब हमारे गुरु महाराज और सारे महात्मा सभी थे, और हमारे वृंदावन के पूरी महाराज भी थे, श्री भक्ति प्रसाद पूरी महाराज। तो जब वो कीर्तन कर रहे थे, अपना आनंद में स्तव कर रहे थे जगन्नाथ जी का, भुज सव्य वेणु शिर शिष्य की पीछम कटि तट दुकुलम नेत्रांते सहचर कटाक्षम च विदधते सदा श्री मद वृंदावन वसती लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव। तुम्हें भाव से
ఇపపారావారా సజల జలద శ్రేణి రుచిరో రమవాని రామా స్ఫురదమల పంకేరుముఖ. ఇస్ ప్రకార్ భావ సే జబ్ కీర్తన కర్ రహే థే తో వహాన్ పర్ ఏక్ పాకెట్ మార్ థా, భీడ్ హోతీ నా బహుత్, పాకెట్ మార్ థా, ఉస్నే పూర్వీ గోస్వామి మహారాజ్ కే జేబ్ మే పాకెట్ మార్ లీ, జితనే పైసే థే వో నికాల్ లీ. తో జబ్ యే ఉస్నే పైసే నికాలే తో ఇస్ బాత్ కో పూరీ మహారాజ్ నే దేఖ్ లియా, హమారే వృందావన్ కే పూరీ మహారాజ్ నే దేఖ్ లియా, ఉన్హోనే జాకే ఝపట్ కే ఉస్ పాకెట్ మార్ కో పకడ్ లియా, పకడ్ కే ఉస్కా బాజూ పకడ్ లియా ఔర్ షోర్ డాల్ దియా, పకడ్ లియా మహారాజ్, పకడ్ లియా మేనే, పకడ్ లియా, పకడ్ లియా, పకడ్ లియా. జబ్ ఇస్ ప్రకార్ డాలా తో పూరీ మహారాజ్ కా, పూరీ గోస్వామి మహారాజ్ కా జో ధ్యాన్ థా, జో స్తవ్ కర్ రహే థే, జిస్ భావ్ మే రథారూఢో గచ్చన్ పథి మిలిత భూదేవ పటలి, జిస్ ప్రకార్ కర్ రహే థే ఉన్కా ధ్యాన్ భంగ్ హో. జబ్ ధ్యాన్ భంగ్ హువా తబ్ ఉన్హోనే పూరీ మహారాజ్ కో బహుత్ డాంటా భక్తి ప్రసాద్ కో, అరే జాని దో ఉస్కో, లేనే దో, జాని దో, క్యా హై, పైసా హి తో హై, ఏ చలా జాయేగా, ఇస్కీ క్యా కీమత్ హై, ఏ జో భావ్ చలా గయా, అనమోల్ భావ్ చలా గయా, పైసే కా క్యా హై, ఏ తో ఫిర్ ఆ జాయేగా, ఏ భావ్ దుబారా మిలేగా కే నహీ మిలేగా. ఇస్ ప్రకార్ ఉన్ లోగో కా కీర్తన్ థా, గురు మహారాజ్ భీ ఉన్హీ కా అనుసరణ కర్తే హువే ఇస్ ప్రకార్ కీర్తన్ కర్తే హువే వహాన్ జగన్నాథ్ మందిర్ తక్ జాతే థే. ఔర్ పూరీ మే తీన్ చార్ దిన్ పహలే హీ రథ యాత్రా సే గురు మహారాజ్ జీ స్వయం కీర్తన్ కర్తే హువే శ్రీ పురుషోత్తమ క్షేత్ర కే జితనే ముఖ్య ముఖ్య స్థాన హై, యో చక్ర తీర్థ హో, జగన్నాథ్ మందిర్ హో, హై నా, ఔర్ జో ఇంద్రదుమ్ సరోవర్ హో, నరసింహ మందిర్ హో, నరేంద్ర సరోవర్ హో, ఔర్ ఎసీ జో ముఖ్య ముఖ్య స్థాన హై, సబ్ గురుజీ కీర్తన్ పార్టీ కే సాథ్ వహాన్ పర్ లేకే జాతే థే, ఔర్ వహాన్ పర్ జాకే ఉస్కా మహాత్మ బోల్తే థే, సమాజ్ థా అభి గోల్డన్ పీరియడ్ యే హమారే హాత్ సే చలా గయా, ఉస్కీ బస్ హల్కీ హల్కీ స్మృతియా జో హై హమారే పాస్ హై, ఔర్ వో స్మృతియా హీ హమారా ధన హై, హమారా అవలంబన హై, కైసే గురు మహారాజ్ జాతే థే. ఔర్ ఏక్ బార్ ఎసే హీ హమారే గురు మహారాజ్ అపనే కమరే మే బైఠే హువే థే, కమరే కా మతలబ్ అభి యే నయీ వాలీ బిల్డింగ్ నహీ బనీ థీ, జో ఉస్మే బహుత్ జో గెస్ట్ హౌస్ బనా హై, బహుత్ సారే కమరే, యే నహీ థీ, పురానీ వాలీ బిల్డింగ్ మే గురుజీ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ పే థే, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మే భీ జిస్ కమరే మే నీచే కృష్ణదాస్ నా కృష్ణ కేశవ బ్రహ్మచారి ప్రభుజీ రహతే థే, ఉస్కే ఊపర్ వాలే కమరే మే లగ్భగ్ ఉస్మే గురుజీ అవస్థాన్ కర్ రహే థే. అచానక్ మే భీ గురు మహారాజ్ కే పాస్ మే కమరే మే బైఠా హువా థా, గురు మహారాజ్ థే, గురుజీ కే సేవక్ థే, మే థా ఔర్ తబ్ హమారే లుంబా జీ కపిల్ లుంబా జీ లుధియానా సే థే, తబ్ లుధియానా మే రహతే థే, వో భీ హమ్ దోనో గురుజీ కే పాస్ మే బైఠే హువే థే. अचानक कमरे का द्वार खुला. एक घटना मैंने बहुत बार बोली है, क्योंकि मैं घटना का प्रत्यक्ष दर्शी हूं, इसलिए मैं सबको बोलता हूं कैसा हमारा गुरुजी का महात्म्य था. थोड़ा सा दरवाजा खुला तो उसमें मैंने देखा एक लंबे कद के क्षीण काय पुरुष, बहुत वृद्ध अवस्था में, उनकी उम्र 85 साल से ऊपर ज्यादा होगी, क्षीण काय पुरुष दो व्यक्तियों के हाथ कंधे पे हाथ रख के बड़े मुश्किल से उन्होंने कमरे में एंटर किया. तो हम तो जानते नहीं थे कौन है वो, दो उन बड़ी मुश्किल से, सांस उनकी फूली हुई थी, बड़ी मुश्किल से इतनी सीढ़ियां चढ़ के वो फर्स्ट फ्लोर में आए थे, और कमरा खोल के दो आदमियों के ऊपर कंधे पे हाथ रख के उन्होंने कमरे में प्रवेश किया. जब कमरे में प्रवेश किया तो गुरु महाराज बैठे हुए थे, गुरु महाराज अचानक गुरुजी मैंने देखा खड़े हो गए, और गुरुजी ने तुरंत इशारा किया, जो उनका सेवक थे इशारा किया उनको, तो मैं भी समझ गया गुरुजी ने प्रणामी के लिए इशारा किया है. तो मुझे बाद में पता चला कि वो हमारे जो पूरी धाम के गौड़िया, सभी जितने गौड़िया मठ हैं, सभी गौड़िया संप्रदाय के वो मुख्य पंडा थे. उनका नाम था श्री हनुमान प्रसाद खूंटिया, हनुमान प्रसाद खूंटिया नाम था. बहुत वृद्ध, बहुत प्राचीन थे, उन्होंने बहुत पुराने सभी वैष्णवों को
दर्शन किया हुआ था। तो जब वो आए, गुरुजी ने इशारा किया प्रणामी के लिए, तो जो गुरुजी का सेवक थे उन्होंने, मैंने देखा 2000 रुपया गुरुजी निकाला, और गुरुजी ने जैसे वो 2000 रुपया हाथ में लिया, वो दूर से ही बोलते हैं, दूर से, अभी गुरुजी के पास आए नहीं, दूर से कमरे में बोलते हैं, महाराज महाराज मैं ये प्रणामी लेने नहीं आया हूं। तो मैं, तब मुझे हो गया, ओ अच्छा अच्छा ये पंडा जी, मैं, हम भी खड़े हो गए, महाराज मैं ये प्रणामी लेने नहीं आया हूं, मैं महाराज आपका दर्शन करने आया हूं, अपने आप को मैं पवित्र करने के लिए यहां पर आया हूं, मैं जानता हूं महाराज दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण, मैं पवित्र करने के लिए आया हूं महाराज, हम लोग अच्छा आदमी नहीं है, हम लोग हमेशा, हमारा काम है पंडा है। उसने बोला वहां पर उन्होंने कि हम एक नहीं, सभी जितने गोड़िया मा प्रभुपाद का नाम लिया सबका पंडा हूं मैं, हमारा काम झड़ाई झगड़ा करना है, महाराज मैं अपने चित्त को आपका दर्शन करके अपने आप को मैं यहां पर पवित्र करने के लिए आया हूं, प्रणामी लेने के नहीं, लिए नहीं आया। तो गुरुजी ने उनको प्रणाम किया, प्रणाम किया, और उनका जो हस्त है, हस्त कमल पंडित, गुरु जानते हैं गुरुजी तो तीर्थ पुरोहित का बहुत ज्यादा सम्मान करते, बहुत अधिक सम्मान करते थे, और जो तीर्थ पुरोहित है, देखा ना आपने भी देखा गिरधारी के और जो जगह जगह में हमारे तीर्थ पुरोहित है, गुरु महाराज उनको आगे करके चलते थे, उनके आगे कभी नहीं चलते, हमेशा हमेशा ही देखा, अगर थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता गुरु महाराज बैठ जाते, पीछे पंडा जी आएंगे, तीर्थ पुरोहित आएंगे, उनको आगे करके तब गुरु महाराज उनका पीछे चलते। तो उन्होंने, गुरु जी ने प्रणाम किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरु महाराज के दोनों हस्त कमल अपने हाथ में ले, दोनों हस्त कमल अपने हाथ में लेके वो अपने सिर में रखने लगे, दोनों हाथ लेके। तो गुरु जी अपना हाथ संकोच से पीछे हटाते हैं, गुरु जी उनका हाथ लेके अपने सिर पर रखते हैं, और वो गुरु जी का हस्त कमल लेके अपने सिर पर रखते हैं। इस प्रकार का दृश्य हमको देखने को मिला। बाद में गुरु जी ने परिचय कराया, ये बठिंडा से है, ये लुधियाने से है, जो भी है, कहने का मतलब गुरु जी का, उसने एक और बात बोली, हाँ मुझे याद आ गया, उसने एक और बात बोली, वो पंडा जी ने, हनुमान प्रसाद खुंटिया जी ने, उन्होंने कहा महाराज मैं सब गौड़ी मठ वालों को जानता हूं, सबको जानता हूं महाराज, मैं नाम भी लिए, उन्होंने, मैं वो नहीं बोल सकता हूं, नाम भी लिए, और बोले मैं सभी गौड़ी मठ को महाराज पंडा हूं, सबको मैं सबको जानता हूं अच्छी तरह, पर महाराज आप जैसा आचार्य इस दुनिया में नहीं है, आप जैसा सच्चा साधु कोई नहीं है, इसलिए महाराज मैं इस उम्र में बहुत कष्ट करके सीढ़ियां चढ़ के आपको दर्शन करने के लिए आया हूं। इस प्रकार मुझे याद हो रही वो वहां की, जब वो गोपीनाथ बाबा जी बोल रहे थे तो मुझे गुरु जी की ये बातें याद आ रही थी, कैसे हमारे गुरु महाराज ने वहां पर पूरी में पदार्पण करके किस प्रकार कष्ट सह के हैं और समय बिताया, और भी बहुत सी बातें हैं, गुरु जी का दृष्टिकोण कैसा था। एक बार गुरु महाराज, अच्छा हाँ ठीक है, करिए ट्रांसलेशन। Elaborating the point given by our Gopinath Babaji yesterday, Prabhuji highlighted the different pastimes of our Guru Maharaj in Jagannath Puri. And Prabhuji said, whenever we talk about Guru Maharaj pastimes, always Param Guru Maharaj ji is included in that. So it's a long history in Jagannath Puri, when birthplace of Srila Prabhupada was to be rescued, and our Param Guru Maharaj took the responsibility when all his god brothers told him. So a long, decade-long struggle started. In this struggle,
in this struggle, Param Guru Maharaj ji engaged Guru Maharaj. So, Param Guru Maharaj ji engaged Guru Maharaj in this struggle, and Guru Maharaj very nicely followed the instruction of Param Guru Maharaj. But Prabhuji is saying that the kind of hardship, the kind of every day going to the court without taking even breakfast, and the day long different courts and returning in the evening and then being able to take something, all this Guru Maharaj has faced in Jagannath Puri. He mentioned the place Dudhwala Dharamshala, where there were bugs, there were ants, and our Guru Maharaj faced everything. In the court, in the beginning, many lawyers, many advocates of Puri court were taunting Guru Maharaj, because that's a habit in India. Everyone takes it their birthright. So they can say anything to saffron clad Mahatma. So Guru Maharaj has been through this in Jagannath Puri. And he was unmindful of those taunts and remarks because his mind was focused. So one incident happened. One of the lawyers, I was told that this was Janmashtami when they organized a program. And on Janmashtami, they wanted some devotee, some Mahatma. So they said, oh, he's coming every day, let us invite him. So speaking. So in that way, Guru Maharaj got opportunity to give discourse in front of all the bar association of Jagannath Puri. And the moment he spoke, he roared like a lion in that discourse. All the impression changed, everything changed. Guru Maharaj became favorite of all. And then every day they were waiting for Guru Maharaj, and if he's late, they will ask, all the liars will ask, Maharaj, aaj aap late ho gaye, you are late today, what happened? So this is one point. Prabhuji also talked of Sri Ranganath Mishra. He was actually practicing lawyer in the beginning, and he was very helpful to our mutt in these cases. He was the pillar behind all the cases we were handling, 70 different cases. And finally, Ranganath Mishra rose up to be High Court Judge, Chief Justice, then Supreme Court Judge, then Chief Justice of Supreme Court of India. And finally, he became chairman of Human Rights Commission. But he remained very close, very intimate friend of Gurudev. So, then Prabhuji also mentioned one very important incident of Jagannath Puri Rath Yatra, when Param Pujya Parshila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, in front of Jagannath Rath, he was singing his glories, that Jagannathashtakam. So Puri Maharaj was in a trance, in a different transcendental mood, singing the glories of Jagannath Swami, and suddenly one pickpocket picked his pocket or stole his money bag. So what happened? One of our sannyasi, god brother of Gurudev, he immediately shouted and he caught hold of this man, and he said, told Puri Maharaj, I have caught him, this is your bag, he was stealing. So Puri Maharaj was like, he was shaken.
because he came out of that mood. So he said, "You, why are you thinking about this? This money will come and go, but this mood is very, very precious, which I just lost." So Prabhuji also mentioned about one of very senior panda. You know, panda are the guides at pilgrimage places, and we have our panda's guides at Puri also. So this panda was very, very senior in his 80s, Sri Hanuman Prasad Khutia. He came to meet Guru Maharaj, and Prabhuji was there. And Guru Maharaj will give a lot of respect to pandas. So Guru Maharaj offered him money as pranami. Now this panda said, "Maharaj, I have not come for money. I have not come for pranami. I have come for your darshan to purify myself." This panda said, "Maharaj, I know all sadhus coming to Puri. I know all Gaudiya Mats. I know each one of them. But I need your blessing because I have never seen a pure sadhu, a pure acharya like you. So please bless me." So that way, Prabhuji is very nicely explaining. Hare Krishna. मिश्रा जी, वो जो रंगनाथ मिश्र थे, वो गुरु आपको, आप गए उनके पास, वो हमारे गुरुजी के पास भी आए, दिल्ली में भी आए, वो उनका मैं जरूर कुछ सुनना चाहता हूँ। वो गुरुजी का कैसा भाव था? गुरुजी को बोलते थे ना कि महाराज, मैं लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हूँ, आपके लिए वही रंगनाथ हूँ, ऐसा वो कमेंट करते थे। आप तो बड़ा, आपका अनुभव है, थोड़ी को घटना बोलिए रंगनाथ मिश्र और गुरुजी की, बोलिए थोड़ा। So I am very fortunate that Prabhuji is giving. So, क्योंकि वो आत्मा से गुरु महाराज जी को लाइक करते थे, उनकी मतलब मैंने देखी आंखों में गुरुजी के प्रति इतना रिस्पेक्ट और रिगार्ड, मतलब बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। तो जगन्नाथपुरी में जब भी हमारा रथ यात्रा में शाम को प्रोग्राम होता, मठ में सभा होती, तो रंगनाथ मिश्र जी भी चीफ गेस्ट बुलाए जाते। तो उस समय मैंने गुरु महाराज जी और उनके अंदर आपस में बातचीत देखी, तो वो अद्भुत बातें थी। गुरु जी उनको रिस्पेक्ट देते थे और उससे ज्यादा वो गुरु महाराज जी को रिस्पेक्ट देते थे। और रंगनाथ मिश्रा का जो व्यक्तित्व था, वो प्रभावशाली था कि उसमें मैं, मुझे तो लगता था कि वो देवलोक के कोई भगवान के ही कोई दूत थे, जो मतलब उनका इतना तेज चेहरे पे, उनकी इतना सुंदर गुरुजी के प्रति भाव। मैं एक बात बतलाता हूं कि एक बार वो दिल्ली मठ में आए। हरे कृष्णा। एक बार वो दिल्ली मठ में आए, दिल्ली मठ में गाड़ी नहीं आती, तो उनकी गाड़ी मेन रोड पे लगाई गई, उनके बॉडीगार्ड्स थे, वो पैदल चल के, मैं उनको लेके मठ में आया। तब गुरु महाराज जी का पहला विदेश यात्रा हो गया था, तो गुरु महाराज जी से उनका बड़ा प्रेम में, छोटे से कमरे में, जो ग्राउंड फ्लोर पे गुरु जी का कमरा था, वहां बातचीत हो रही है, मैं साथ में बैठा था, मैंने फोटो भी खींचे। तो वहां पे गुरु महाराज जी ने उनसे पूछा कि महाराज, मेरे को विदेश के लोग बार बार आग्रह दे रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन यहां भारत में भी मेरे को बड़ी निमंत्रण है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बैलेंस करूं, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे अपनी सलाह दीजिए। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि गुरुजी उनसे सलाह मांग रहे थे कि मुझे विदेश प्रचार के लिए क्या करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए।
तो क्या हुआ, रंगनाथ मिश्र ने गुरुजी की बात को एक मिनट विचार किया, तुरंत जवाब नहीं दिया, विचार करके फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा, आपने अभी तक भारत को बहुत समय दिया है, अब वो लोग की आशा है, तो वो लोगों का आप थोड़ा ध्यान करें। तो इसलिए वो बात मुझे बड़ी मतलब अच्छी लगी उनकी, रंगनाथ मिश्र जी की। तो ऐसी बड़ी सारी बातें हैं, आप कंटिन्यू करें थोड़ा इसको और 10 मिनट। समय तो हो गया मिश्रा जी मेरा, चलो फिर भी मैं एक दो ऐसी घटनाएं गुरु जी की शिक्षा के बारे में याद करता हूं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से गुरु महाराज ने दी। जब मैं प्रथम बार शिवपुरी में धाम में गया पहली बार, तो जब मैं दर्शन करने गया वहां पर, तो अंदर में जो पंडा लोग थे, जो बिल्कुल जगन्नाथ जी का गर्भ गृह था, वहां तक ले गए और अंदर में जाके जहां जगन्नाथ जी बलदेव जी सुभद्रा जी विराजित हैं, मुझे वो पंडाओं ने बोला आलिंगन करो बलदेव जी का, आलिंगन करो जगन्नाथ जी का, वहां पर ऐसी ही प्रथा है। तो अभी तो उसके कारण बहुत हो गया, पहले ऐसा नहीं था। तो मैंने उनके कहने से मैंने आलिंगन किया जगन्नाथ जी का, और भी हमारे जलंधर के और हमारे गुरु भाई थे जिंदल साहब, उन्होंने भी आलिंगन किया, तो मैं बड़ा खुश हो गया, बहुत आनंद लग गया, हा 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 जगन्नाथ जी का आज आलिंगन करके। मैं बड़े एक्साइटेड मूड में, बड़े उत्साह के साथ आके गुरु जी के चरण में मैंने बताया, मैंने कहा महाराज जी मैं गुरु जी आज गया था जगन्नाथ मंदिर में, वो बड़ा बहुत अच्छा दर्शन मिला, पंडा जी ने इस प्रकार मुझे बोला और जगन्नाथ जी का आलिंगन कराया, आलिंगन किया, तब गुरु महाराज ने मुझे समझाया, तो बात ठीक है, गुरु जी ने समझा ठीक है पंडा लोग ऐसा करते हैं, परंतु हम लोग कभी विग्रह स्पर्श नहीं करता है, कभी विग्रह स्पर्श नहीं करना, गुरु जी ने मुझे कहा विग्रह स्पर्श नहीं होता है। तो वो तब की बात मुझे याद है, उसके बाद तो बहुत चांस आए, कभी ऐसा हम लोगों ने नहीं किया। इसलिए गुरु जी की जो शिक्षा है मेरे लिए कि ऐसे ही एकदम से जाके एकदम विग्रह की सेवा के लिए मंदिर में वो अलग बात है, ऐसे विग्रह स्पर्श जाते थे ना हम लोग वृंदावन में मंदिर मंदिर में गुरु महाराज के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा में, तो गुरु जी कभी भी मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाते थे, हालांकि वहां के पुजारी गुरु जी को बोलते रहते आप आइए ना आइए अंदर आइए अंदर, गोपेश्वर महादेव में देखा कितना उन्होंने बोला पुजारियों ने और अंदर आइए, गुरु जी नहीं, गुरु जी कभी विग्रह को स्पर्श नहीं करते थे, और बाहर से ही जो गर्भगृह है और बाहर से उसमें से प्रणाम करते थे। और गुरु जी ने एक बार मुझे कहा भी कि गर्भगृह के बीच में कभी प्रणाम नहीं होता है, प्रणाम हमेशा गर्भगृह से बाहर में आके करना चाहिए, गुरु महाराज की एक शिक्षा है। फिर एक बार क्या हुआ, वो जो रथ यात्रा निकली जगन्नाथ जी की, तो रथ जो है गुंडीचा मंदिर में ना जाके रास्ते में खड़ा हो गया, अब जानते हैं सूर्य अस्त होने अगर हो जाए तो फिर वो जगन्नाथ जी नहीं जाते हैं, सारी रात वहीं रहते हैं, अगले दिन फिर दोबारा रथ यात्रा शुरू होती, तो रात को खाली हो गया, सब लोग अपने अपने आश्रमों में घरों में चले गए, तो मैं गया रात को प्रणाम करने के लिए, तो मैं ऊपर चढ़ गया रथ के, पंडा जी ने ऊपर आ जाओ ऊपर, ऊपर में जाके जगन्नाथ जी को प्रणाम किया, जो भी है किया, आके फिर गुरु महाराज जी को बताया, गुरु महाराज आज तो बहुत अच्छा लगा, आज तो रथ के ऊपर चढ़ गया था, ऊपर में चढ़ के प्रणाम किया, तब गुरु जी मुझे समझाया आगे से ऐसा नहीं करना, नहीं करना, गुरु जी ने मुझे बोला याद है मुझे जगन्नाथ जी का रथ इज इक्वल टू जगन्नाथ, गुरु जी ने बोला जगन्नाथ उनका रथ दो नहीं है अभिन्न एक है, उसमें पैर नहीं देना,
पैर नहीं देना उसमें, उसमें नहीं चढ़ना, दूर से प्रणाम करना। शिक्षा की बात जो उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से दी, इसलिए मैं बोल रहा हूं उसको। और एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा। एक बार क्या हुआ, रथ यात्रा के समय जो जगन्नाथ देव जी का रथ था वो हमारे बिल्कुल मठ के गेट के सामने में आके रुक गया, पास में आके रुक गया। तो नहीं जाएंगे जगन्नाथ जी, रात शाम हो गई, रात हो गई, जगन्नाथ जी वहीं रहेंगे। तो अगले दिन जब रथ यात्रा शुरू होगी तो जाएंगे। भीड़ बिल्कुल कम हो गई। जब गुरु जी ने बोला देखो भीड़ हट गई क्या, तो रथ खड़ा है, जगन्नाथ जी को प्रणाम करके आएंगे। तो हाँ जी हाँ जी, हमारे यहां तो कोई नहीं है, खाली हो गया, कल सुबह होगी रथ यात्रा। तो गुरु महाराज आए, अंदर से आए गुरु जी, आके वो रथ के पास में गुरु महाराज खड़े हो गए, रथ के थोड़ा दूर में खड़े हो गए। रथ के रथ मतलब ऐसे खड़ा है, उसके आगे जो उनके रस्से हैं रथ के मोटे मोटे, वो सड़क पे ऐसे बिछे हुए हैं और गुरु जी खड़े हो गए। तो मैं गुरु जी को बोल रहा हूँ महाराज आइए आइए जल्दी आ जाइए महाराज, वो फिर भीड़ आ जाएगी और लोग आ जाएंगे, अभी तो रश नहीं है, आइए गुरु जी आइए महाराज आ जाइए आइए। ऐसे मैंने गुरु जी मेरी बात ही नहीं सुनी, तो मैं पता नहीं महाराज ने सुनी नहीं मेरी बात, ऐसे मेरे मन में आ गया। मैंने फिर दोबारा बोला गुरु जी को, मैं कहा महाराज आप आइए आ जाइए महाराज, अभी तो खाली है, अभी फिर और लोग आ जाएंगे मुश्किल होगी। पता ही नहीं था गुरु जी से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। और गुरु जी तो बच्चों की तरह प्यार करते थे ना, स्नेह ऐसा था उनका। फिर भी गुरु जी ने बात सुनी नहीं मेरी, ध्यान ही नहीं दिया। जब मैंने तीसरी बार फिर बोला, मैं समझ नहीं पाया गुरु महाराज इधर उधर क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, समझ नहीं पाए। तब उन्होंने क्या किया, गुरु महाराज नीचे झुके, झुक के जो रस्सा था रोप जिससे खींचते हैं उसको उठाया गुरु जी ने अपने हस्तकमल से। मुझे पता होता तो मैं उठा देता, मुझे पता ही नहीं था क्या करना। गुरु जी ने अपने हाथ से उठाया, उठा के गुरु महाराज जिसको अपने सिर के ऊपर तक लेके गए, ऐसे रस्से को उठा के सिर के ऊपर तक ले गए और लेके रस्से के नीचे से गुरु जी निकले जाके जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। गुरु जी इसका उल्लंघन कैसे कर सकता है, तो जगन्नाथ जी का रस इसके ऊपर में, इसको मतलब उल्लंघन करके इसके ऊपर से कैसे जाएगा, अपराध होता है। पर गुरु महाराज का इस प्रकार का विचार था, इस प्रकार का क्या बोलूं, है ना। फिर अभी मेरा समय हो गया, आप इसका ट्रांसलेशन करिए और फिर आगे का जो प्रोग्राम है उसको देखिए। वांछा कल्पतरु व्यस्त कृपा सिंधु पतिदान पावने। Thank you very much. We have Ashok ji from Delhi waiting. So I will just request Ashok ji to be ready. I will just conclude. Prabhuji just gave another very beautiful pastime, Jagannath Puri of Guru Maharaj. In this pastime, a Rath Yatra program, Prabhuji was present and Rath came in front of our mat and it stayed for a night close to the gate of Jagannath Puri, birthplace of Srila Prabhupada, Sri Chaitanya Gurudev. So, Guru Maharaj went to offer his pranam to Jagannath, and I will just briefly say that he will not cross the rope with which the Rath is pulled. So he picked up the ropes on his head and entered below the rope. So he said we should not enter. Rath of Jagannath and Jagannath are one. And inside the temple, pandas take and they say embrace the deities of Jagannath. Guru Maharaj never allowed this thing. He said we should not do this. We should not touch the deities. And whatever pranam we have to do should not be inside the sanctum sanctorum, close to altar. We should not do the pranam. It should always from outside. So these are the beautiful pastimes.